जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात, बाहर तो प्रकृति का तूफान चल रहा है, लेकिन अंदर का तूफान जो है वो बाहर के तूफान से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है आज मुझे। यहां तक फीलिंग आ रही है पूरे 30,000 दिलों के धड़कनों की, धक 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 धक। क्या एनर्जी है। अब मुझे बड़ा बिजनेस की टीम ये कह रही थी कि आई मस्ट शेयर अ स्मॉल स्टोरी अबाउट माय लॉन्च, आप लोग सुनना चाहेंगे? तो 21-22 साल पहले की कहानी है, सडनली बूढ़ा फील कर रहा हूँ। तो मैं आया था यूएस से पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप पर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फिल्म में, और भारत पहुँचा। और जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उस ज़माने में एक चलन था कि फादर जो हैं, सेकेंड जनरेशन हूं मैं, तो उन्होंने अपनी पूंजी समेटी, उन्होंने कहा कि बेटे के लॉन्च के लिए एक पिक्चर बनाते हैं। अब्बास मुस्तान साहब बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे उस जमाने में, उन्होंने उनको साइन किया और मेरी फिल्म को लेके लिखावट शुरू हो गई। अब मुझे रात को नींद नहीं आए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये मेरे मेरिट पे तो नहीं कर रहा हूं मैं, पिताजी बना रहे हैं, और पिताजी मेरे आइडल, मेरे हीरो, क्योंकि उनको किसी ने सिफारिश नहीं दी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप में FTII ज्वाइन किया, 7 सीटों में से पूरे भारत में से एक वो सिलेक्ट हुए, बिना किसी सिफारिश के बम्बई आकर स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके उन्होंने अपने दम पर, अपने टैलेंट पर मकाम हासिल किया। तो इंस्पिरेशन तो ये है, और मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इंस्पिरेशन, पिताजी से पैसे लगवा रहा हूँ। अच्छा, कुछ 19 हो गया तो पिताजी की पूंजी, उनकी मेहनत, उनके 20-30 साल का करियर वो जीरो हो जाएगा। उस पिक्चरें इस तरह की बिजनेस हैं, आप या तो बहुत कमा सकते हो या बहुत घटा सकते हो, लूज कर सकते हो पैसा। अब ये रिस्क जो था, ये मेरे कॉन्शियंस पे बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे लग रहा था, जो आजकल के ज़माने में मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ तो उनको लगता है पापा के पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना दे देते तो मैं भी कहाँ पहुँच जाता अपने दोस्तों की तरह, मैं भी अपनी कंपनी शुरू कर लेता। बट मेरी सोच, मेरे विचार उस समय बिल्कुल विपरीत थे। मुझे लग रहा था नहीं, ये गलत है, अपने दम पे करना चाहिए। 15 साल की उम्र से मैंने पिताजी से पैसे नहीं लिए हुए थे, छोटे छोटे ऑड जॉब्स करके, छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपना खर्चा वर्चा खुद चलाया था। अमेरिका में भी उनसे पैसे नहीं लिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद से चलाया था। अब उसूल की बात आ गई तो मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। एक तरफ ब्रेक अपना करियर, इतने बड़ा डायरेक्टर, और दूसरी तरफ उसूल। तो हांपता कांपता मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो कहा क्या हुआ, नर्वस हो गए तुम, क्या हुआ? मैंने कहा नर्वसनेस की बात नहीं है पिताजी, उसूल की बात है, स्ट्रगल करूंगा और खुद अपना मकाम हासिल करूंगा, गलती होगी तो मेरी होगी, सक्सेस होगा तो मेरा होगा। अब इंस्पिरेशन के और उसूलों के मूड में आके कह देना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पिताजी ने कहा आर यू श्योर, स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है बेटा। और उनके मन में कहीं ये भी था कि मैंने इतना नाम बनाया इंडस्ट्री में, अब मेरा बेटा फोलियो लेके, अपना सर्टिफिकेट्स, फोटोज लेके इंडस्ट्री में दर दर भटकेगा तो नाम मेरा ख़राब होगा। तो मैंने उनके मन की बात पढ़ ली और ये कहा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरा नाम है विवेक आनंद ओबरॉय। तो मैंने ओबरॉय ड्रॉप किया और सिर्फ विवेक आनंद नाम देकर मैं हर एक स्टूडियो में, हर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में, हर एक डायरेक्टर के ऑफिस में कास्टिंग के लिए चला जाता था। फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, ये फिल्म बन रही है, एक कंपनी, गैंगस्टर्स की फिल्म है, राम गोपाल वर्मा साहब उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। हम पहुंच गए, शेव वेव करके, अच्छे कपड़े पहन के, एकदम बढ़िया सा स्ट्रगल करते हुए चले गए। कहीं किसी के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिली, लाइन में हम भी खड़े हुए, वर्मा साहब से मिले, उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाए, उन्हें अपना काम दिखाया, उनको अपने छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाए। उन्होंने कहा कि देखो तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं हो। मैंने कहा क्यों सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये फिल्म जो है ना, वो एक
स्लम के बंदे की है, झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, हट्स में रहा हुआ, तपा हुआ, उसकी भाषा, उसकी चाल ढाल सब कुछ उस दुनिया की है, अंडरबेली की है। तुम बहुत पॉलिश्ड हो यार, तुम न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो, तुम्हारी अंग्रेजी है फराटेदार, ये तो नहीं दिख नहीं रहा, मुझे सूट नहीं करेगा। उनके बगल में उनके एडिटर बैठे थे चंदन अरोरा, उन्होंने भी कहा सर सही कह रहे हैं, आपको ये बिल्कुल कैरेक्टर सूट नहीं करेगा, अगली पिक्चर में कभी कुछ होगा तो चांस देंगे आपको। अब यहां दो ऑप्शन थे, एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर और टर्न द कॉन्वर्जेशन अराउंड। धंधे में भी ऐसे होता है, या तो आप मान जाओ भाई कस्टमर हमारा नहीं प्रोडक्ट उठाने वाला, या तो आप उसे कन्विंस करो। तो मैंने मांगा मौका, मैंने कहा सर ठीक है एक्सेप्टेड, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, पर मुझे 15-20 दिन दे दो, और केवल 15 मिनट दे दो उसके बाद, आई ओनली नीड 15 मिनट्स आफ्टर 15-20 डेज। अरे यार 15-20 दिन में क्या बदलेगा, सर वो मेरा काम है, मैं करके दिखाऊंगा क्या बदलेगा, 15 मिनट का समय मांग रहा हूं। तो उन्होंने मूड में कह दिया हाँ चलो ठीक है 15 मिनट, 15-20 दिन बाद आ जाना। अब ये 15-20 दिन में मैंने की होमवर्क ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने डिसाइड किया कि 18 महीने की मेहनत और स्ट्रगल ये भी नो एक्सेप्ट करके वॉकआउट करने के बजाय 15 दिन में इतनी मेहनत करूं कि नो यस में बदल जाए। तो मैंने क्या किया, झोपड़पट्टी में गया, खोली कहते हैं वहां पे झोपड़पट्टी में, खोली हट को, खोली में भाड़ा देकर रेंट देकर वहां रहने लग गया। जुहू के बंगले में पैदा हुए, न्यूयॉर्क से पड़बड़ के आए, अब खोली का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था, साला अलग ही था कुछ। हम खोली में रह रहे हैं तो रात को कुछ आवाज आई, आंखें खुली और ये बड़ा कुछ दिख रहा है। मैं कहा बिल्ली है कुत्ता है क्या, मूसा वो क्या कहते हैं उसको, चूहे को, इतना बड़ा। पहले तो झटका वहीं लगा, दूसरा अगली सुबह बाथरूम ढूंढ रहा हूं, बाथरूम तो है ही नहीं, सुलभ शौचालय में जाना पड़ेगा। तब 1-2 रुपए छुट्टे की वैल्यू समझ में आई, जब जोर से लगी है और छुट्टे नहीं है आपके पास। वो एक्सपीरियंस, वहां रहना, वहां लोगों की बात सुनना, उनकी बोल समझना, वो कैसे बीड़ी फूंकते हैं, वो कैसे चाय पीते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी गालियां क्या है, वो सारी बातें समझकर, उनका लहजा समझकर वो पी गया घोट घोट के। और 20-21 दिन बाद मुझे मौका लगा, राम गोपाल वर्मा जी ने वो 15 मिनट मुझे जो प्रॉमिस किए थे वो दे दिए कि भैया आज आ जाओ। अब मैंने सोचा विवेक ये एक मौका मिल रहा है, इस एक मौके में छक्का लगाना है। अब हम वहां जाएंगे और दोबारा बोलेंगे सर मुझे ऑडिशन करो, तो ऑडिशन शायद दें ना दें। तो मैंने उस समय क्या किया, मैंने बोला किरदार बन के ही जाता हूं। पहली बार गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गंदी सी चप्पल, फटी हुई पैंट, फटी हुई गंजी, ऊपर से खुली शर्ट, मुंह में बीड़ी और पूरे बाल बिखरे हुए, और एक फोटोग्राफर दोस्त था वो भी स्ट्रगल कर रहा था बेचारा। तो मैंने कहा भाई थोड़े फोटो वोटो खींच ले यहाँ पे झोपड़पट्टी में आके। तूने कहा यार तू स्टूडियो आ जा, मैंने कहा वो नहीं होगा, झोपड़पट्टी में ही खींचनी है, वो लुक एंड फील क्रिएट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, पर ये वादा है अगर मैं स्टार बन गया तो पहला कवर तुझे दूंगा, तेरी भी निकल पड़ेगी मेरी भी। तो उसने बेचारे ने शूट किया, 25-50 जो बेस्ट फोटोज थे मूड वाले, उनका बंच हाथ में, मुंह में बीड़ी, पूरे एटीट्यूड में पहुंचा उनके ऑफिस, और जिस तरह से वॉचमैन ने मुझे हड़काया भाई ऐसे कहां कहां से चले आते हैं, अंदर से मैं खुश हो रहा हूं कि एक बंदे को तो कन्विंस कर लिया अपन ने। अच्छा ऊपर से आया मैसेज भेज दो, जब मैसेज आया तो वो भी देख रहा है, पता नहीं साहब लोगों को क्या हो गया, कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं आजकल। अब मैं एंटर कर रहा हूं और मुझे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपना कांच पे दरवाजे के, दिख रहा है कि यार फेस बड़ा क्लीन चिकना विकना लग रहा है। तो मैंने फट से उसके बोला भैया एक मिनट ये पकड़ना, फोटोज हाथ में पकड़वाए और बाहर फ्लावर पॉट के गमले के मिट्टी को निकाला और फेस पे ऐसे लगाने लग गया पूरा मेकअप की तरह। अब ये वॉचमैन जो है बेचारा सिक्योरिटी गार्ड दंग है कि ये हो क्या रहा है भैया, ये मुंह पे मिट्टी लगा के अंदर जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस में। बट आई हैड ओनली वन चांस, तो मैं अंदर गया ऑफिस में, रामगोपाल वर्मा जी के दरवाजे के बाहर, मुझे आज तक वो मोमेंट याद है, ऊपर वाले का नाम लिया, बोला भगवान देख लेना, मुंह में बीड़ी जलाई, हाथ में फोटोज, और ये एटीट्यूड के साथ दरवाजे को लात मार के एंट्री ली पूरी। अंदर घुसे
कुर्सी खींची, वर्मा जी सामने बैठे थे, चंदन उनका जो एडिटर था वो भी बगल में बैठा हुआ था। अब वो भी शॉक हो गए कि यार ये लड़का कौन है। अब चेयर खींचा और सीधा का सीधा, मतलब डू और डाई। अंदर से तो दिल धक 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 कर रहा था, पर बाहर से एटीट्यूड, अरे बाप रे, जबरदस्त एटीट्यूड। बीड़ी फूकते हुए पैर मैंने सीधा चप्पलों के साथ उनकी टेबल पे रखे, एक के ऊपर एक, पूरे एटीट्यूड में फूकते हुए उनको देख रहा हूं। अब मुझे घूरते जा रहे हैं, मैंने एटीट्यूड में उनको कहा, थोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो, और फोटो का बंच उठा के टेबल पे फेंक दिया। अब वो कभी फोटो को देखें कभी मुझे देखें, अंदर से तो मैं हालत खराब है, नर्वस हूं कि यार तूने ज्यादा तो नहीं कर दिया, पैर वैर उनके टेबल पे, अब कमिट कर दिया उतार भी नहीं सकता। अब मैंने कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो फॉलो थ्रू करना है अपने को परफॉर्मेंस पूरा। और पूरे एटीट्यूड में उठे, बोला यार ऐसा ऑडिशन मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। अच्छा मन में निकलना है थैंक यू सर एकदम फैन बॉय, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये टेस्ट तो नहीं है, मैंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया तो उन्होंने कहा देगा अब कैरेक्टर ब्रेक हो गया, तो मैं अपना फूके जा रहा हूं, इग्नोर मार रहा हूं उनको कि मुझसे बात ही नहीं हो रही है, एटीट्यूड में इधर उधर देख रहा हूं। बोलते अच्छा बस हो गया भाई ऑडिशन, अब मेरी तरफ देखो तुम ये रोल कर रहे हो। फिर मेरा धीरे धीरे बीड़ी उतारी, उन्होंने कहा यार ये बीड़ी तो एक बुझा दो, पूरे मेरे ऑफिस में बदबू आ रही है, सॉरी सर करके बीड़ी बुझाई। मैं कहा सर पक्का ना, पक्का आप मुझे कास्ट कर रहे हो? बोला हाँ। तो सर एक बात बतानी है। अब क्या क्या बताना है भाई? सर मैं सुरेश ओबरॉय जी का बेटा हूँ। अरे तुम सुरेश जी के बेटे हो, बताया क्यों नहीं? सर मैं अपने मेरिट से अपने टैलेंट के दम पे आना चाह रहा था। उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, आंखों में आंखें डालकर बोला चलो। मैं चला उनके साथ, उरी बुरी हालत में बैठा उनकी गाड़ी में, और कहीं ले चले मुझे पता ही नहीं कहां। मैं बोल रहा हूं थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है मामला। मेरे पिताजी के बंगले के बाहर आके उन्होंने गाड़ी रोक दी। अब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राम गोपाल वर्मा की फिल्म का ट्विस्ट। अंदर ले गए, पिताजी संडे था, गार्डनिंग कर रहे थे, आराम से अपने फूल पौधों में पानी डाल रहे थे। उनने मुझे देखा, पीछे पीछे राम गोपाल वर्मा जी को देखा आते हुए, वो भी चौंक गए कि क्या हो रहा है भाई। तो उन्होंने कहा सर आपके बेटे ने अपने मेरिट पे इस तरह से ऑडिशन किया और मैंने आज इसको साइन कर लिया, सबसे पहले मैं चाहता था कि आप सुनो। देखो माता रानी की कृपा से 60-70 अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं मैंने लाइफ में एक्टिंग के, लेकिन उस दिन उस पल पिताजी की आंखों में जो एक गर्व था, आंसू थे गर्व के, मेरे लिए आज तक उससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं। आप भारत का सुनहरा भविष्य हो, आप बिजनेस क्रिएट करोगे, आप करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप बिलियनर्स बनोगे, आप विश्व को दिखा दोगे कि एक भारतीय अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने दिमाग से और एंटरप्रेन्योरियल लॉन्चपैड की मदद से क्या कर सकता है। सो हियर्स विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर, इन योर बिजनेस, गॉड ब्लेस यू। और आपकी सक्सेस हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपकी सक्सेस में भारत की सक्सेस है। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की। ये हुई ना बात, फैंटास्टिक।